गठिया का रामबाण इलाज है कच्चे पपीते से बनी हुई चाय, जोड़ों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर देती है और गठिए को भी ठीक कर देती है। नमस्कार दोस्तों, गठिया एक गंभीर समस्या है जिसके कारण लोगों को लंबे समय तक जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है। आजकल बहुत सारे लोग इस गंभीर बीमारी से परेशान हैं। गठिया का मुख्य कारण शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ना है, लेकिन एक खास नुस्खे की मदद से इस रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। कच्चे पपीते की चाय गठिया रोग में बहुत कारगर होती है। इसे नियमित पीने से आपको गठिया के दर्द से भी राहत मिलती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों होता है गठिया रोग और कैसे बनाएंगे आप कच्चे पपीते की चाय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले क्यों होता है गठिया। जब खून और उत्तकों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब गठिया रोग होता है। गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं जो एक प्रकार के अर्थराइट्स को जन्म देते हैं जिसे गाउटी अर्थराइट्स कहा जाता है। यह गुर्दों में भी जमा हो जाते हैं जिससे गुर्दे की पथरी होती है। मोटापा यह अचानक वजन बढ़ने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि शरीर के उत्तक ऐसी स्थिति में प्यूरिन्स को ज़्यादा तोड़ते हैं। प्यूरिन्स एक प्रकार का रसायन है, यही रसायन यूरिक एसिड को बढ़ाता है। खाद्य पदार्थों के कारण शरीर में इस ताप रसायन की मात्रा बढ़ती है। अंडे और नट्स जैसे खाद्य पदार्थों में प्यूरिन्स रसायन पाया जाता है। तो अब जानते हैं गठिया के लिए पपीते चाय किस प्रकार बनानी है और किस प्रकार फायदेमंद है। दोस्तों, पपीते की चाय को आमतौर पर कम लोग जानते हैं मगर मेडिकल साइंस की दुनिया में इस चाय का बड़ा महत्व है। गठिया के अलावा यह चाय कई रोगों को ठीक करती है। अगर आप गठिया को प्राकृतिक तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो पपीते से बनी यह चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पपीता शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को घटाता है और इसमें सूजन को दूर करने वाले गुण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए और फिर बनाने की विधि और उसके बाद फायदे। इसके लिए हमें चाहिए 750 मिलीग्राम पानी, 180 ग्राम कच्चा हरा पपीता टुकड़ों में कटा हुआ, 2 बैग ग्रीन टी या 1 चम्मच ग्रीन टी की पत्तियां। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, एक बर्तन में पानी डालना है और इसको उबलने के लिए रख देना है। फिर इसमें हरे पपीते के टुकड़े डालें। इस पानी को गर्म होने के लिए आँच पर रखा रहने देना है। जब ये पानी उबलने लगे तो आँच बंद कर दें और 10 मिनट के लिए पानी को खुला चढ़ाने दें। अब इस पानी को छान लें और पपीते के टुकड़ों को अलग कर दें। फिर पानी में ग्रीन टी बैग डालिए और या ग्रीन टी की पत्तियां डालकर 3 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ग्रीन टी का असर उस पानी में अच्छी तरह से हो जाए। अब गर्म आपकी इस चाय तैयार है, कच्चे पपीते की चाय बिल्कुल तैयार है और इसे गर्म ही पीना है आपने इसको। इस चाय को पीने से आपके गठिया के दर्द से राहत मिलती है और गठिया या अन्य किसी प्रकार से होने वाले शरीर की सूजन कम हो जाती है। इसके अलावा यह चाय आपका पाचन ठीक रखती है और शरीर में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाती है। इस चाय को पीने से आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है और शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो ये थे दोस्तों आज की जानकारी कच्चे पपीते की चाय के बारे में और गठिया रोग के बारे में। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।